हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए। और अगर आप सीटेट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये न्यूज़ देख सकते हो। केंद्रीय शिक्षा वह माध्यमिक बोर्ड CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कोरोना महामारी के चलते सीटेट एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया है। जानकारी मिली है कि सीटेट का एग्ज़ाम सितंबर के दूसरे हफ्ते में आयोजित कराया जा सकता है। तो यहाँ पे अभी संभावना व्यक्त की जा रही कि सितंबर के दूसरे हफ्ते के अंदर आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है, लेकिन हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि CBSE ने कोरोना महामारी को देखते हुए पहले 25 जून को परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया था और इस बार एग्ज़ाम की डेट 5 जुलाई को रखी गई थी, लेकिन इस बार भी एग्ज़ाम को आगे के लिए टाल दिया गया। परीक्षा को स्थगित करने की सूचना केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियावाल ने ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए 5 जुलाई 2020 को होने वाली सीटेट परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अब एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर नई डेट्स के बारे में लगातार खबरें आ रही है। और अगर इन पर गौर करें तो माना जा रहा है कि सीटेट का एग्ज़ाम सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते के अंदर कराया जाएगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियावाल ने परीक्षा को स्थगित करते समय कहा था कि हालात सामान्य होने पर इसे स्थगित किया जाता है। माना जा रहा है कि अभी कोरोना महामारी को ठीक होने में 1 से 2 महीने लग सकते हैं। उम्मीद है कि CBSE परीक्षा की डेट और एडमिट कार्ड के बारे में जल्द ही सूचना देगा। छात्र सीटेट एग्ज़ाम के किसी भी अपडेट के लिए लगातार सीटेट की वेबसाइट seetet.nic.in पर नज़र बनाए रखें। और सीटेट परीक्षा के लिए इस बार लगभग 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो सितंबर के अंदर आपके एग्ज़ाम होने की संभावना बताई गई है, अगर हालात सामान्य होते हैं तो। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।